subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, स्वागत है आपका सुपरस्टार चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास टेंथ के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आज NCERT क्वेश्चन ही कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर्स में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए गाइस, शुरू करता हूँ यानी आज का यानी पहला क्वेश्चन, यानी क्या कह रहा है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह मतलब यह क्या है, यह क्रिया होती है, यानी कौन सी क्रिया होती है। तो यह जो क्रिया होती है, तो आपका राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोशिका दरोह में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पहला ऑप्शन में जल दिया हुआ है, दूसरा में कांच दिया हुआ है, तीसरा में यानी प्लास्टिक, चौथा में यानी मिट्टी दिया हुआ है। तो ये तो मिट्टी का कोई काम, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का तो काम नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो किसी यानी बीम को वास्तविक प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस यानी उस लेंस को मतलब उत्तल लेंस पर यानी कहाँ रखा जाए, ताकि उसमें क्या वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का ही यानी प्राप्त हो। तो ये जो रखा जाना चाहिए कहाँ, यानी तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोकस पर, कहाँ पर, यानी फोकस पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुपष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको मतलब थोड़ा सा मतलब घुमा करके भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य एक न्यूनतम मतलब स्पष्ट देखने के लिए मनुष्य को यानी कि न्यूनतम कितना सेंटीमीटर तक यानी देखना चाहिए, अल्पतम दूरी कितना रहना चाहिए। तो ये जो है आपका यानी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ क्या दिया है, 25 मीटर आंसर है, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है, यानी लोहे की जो है परमाणु संख्या तो क्या होता है। ये तो ऑप्शन नंबर में इसका जो राइट जो आंसर है, 5 का जो आपका राइट जो आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23। लोहे की परमाणु संख्या क्या है, यानी 23। चलेगा इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है, यानी जो किसी विलयन यानी लाल लिटमस को यानी नीला कर देता है, तो उसका उस विलयन का यानी पीएच मान कितना होता है। तो ये जो छठा का जो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 होगा। ठीक है, चलेगा इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होती है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तो वर्गों की संख्या जो है अभी तो कितना है। तो ये जो है आपका यानी कितना, 9 वर्ग की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं उसके मूलक को, यानी क्या कहते हैं। तो ये जो इसका राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एलिड हाइट कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यानी कौन सा पद वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी V²/R। ठीक है, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं, यानी वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं। तो ये जिसको जनित्रित कहा जाता है, जनित्र, समझे, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लघु पथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान होता है, यानी लघु पथन के समय परिपथ में जो वैद्युत धारा का जो मान जो होता है, तो ये क्या होता है। तो ये जो होता है यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी जो अभी निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो उदाहरण नहीं है, तो ये जो है नाभिक की ऊर्जा ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो तो लकड़ी तो होगा ही नहीं, गोबर गैस भी नहीं होगा, तो कोयला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है ये। तो ये CA हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है, यानी कौन सा सहसंयोजक पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है यानी कौन सा, यानी 6 सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, यानी ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या जो होती है तो क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। मनुष्य के जो वृक्क जो होता है एक तंत्र का भाग है जो यानी किससे संबंधित है, यानी पोषण से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित, श्वसन से, यानी परिवहन से। तो इसमें जो होता है यानी पोषण से होता है वृक्क, जिसे यानी किडनी कहा जाता है, किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। और ये जो है आपका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या, यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसको यानी क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, एक्सोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर अगर दोस्त अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करें, ठीक है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पराकोष में होते हैं क्या, यानी पराकोष में जो क्या होते हैं, तो ये जो है बहादल, अंडाशय, अंडप, परागण। तो ये जो होते हैं क्या, यानी बहादल होते हैं। परागकोष में क्या होते हैं, यानी परागकण होते हैं, सॉरी परागकोष में क्या बहुत पाया जाता है, यानी परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक्चुअली यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसीलिए इसका गलत आंसर है, ये परागण पाया जाता है। परागकोष में क्या पाया जाता है, यानी परागकण बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक यानी समानता है, यानी विकासीय दृष्टि से हमारे किससे अधिक समानता है। तो ये जो है आपका इसका जो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर, यानी चीन के विद्यार्थी से, किससे, यानी चीन के विद्यार्थी से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, कहाँ होता है, यानी अमीबा में होता है। क्या कहाँ होता है, बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो किसी यानी बीम को वास्तविक प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस यानी उस लेंस को मतलब उत्तल लेंस पर यानी कहाँ रखा जाए ताकि उसमें क्या वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का ही यानी प्राप्त हो। तो ये जो रखा जाना चाहिए कहाँ, यानी तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोकस पर, कहाँ पर, यानी फोकस पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुपष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको मतलब थोड़ा सा मतलब घुमा करके भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य एक न्यूनतम मतलब स्पष्ट देखने के लिए मनुष्य को यानी कि न्यूनतम कितना सेंटीमीटर तक यानी देखना चाहिए, अल्पतम दूरी कितना रहना चाहिए। तो ये जो है आपका यानी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ क्या दिया है, 25 मीटर आंसर है, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है, यानी लोहे की जो है परमाणु संख्या तो क्या होता है ये, तो ऑप्शन नंबर में इसका जो राइट जो आंसर है, 5 का जो आपका राइट जो आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23। लोहे की परमाणु संख्या क्या है, यानी 23। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है, यानी जो किसी विलयन यानी लाल लिटमस को यानी नीला कर देता है तो उसका उस विलयन का यानी पीएच मान कितना होता है। तो ये जो छठा का जो आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 होगा, ठीक है। चलेगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होती है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तो वर्गों की संख्या जो है अभी तो कितना है, तो ये जो है आपका यानी कितना 9 वर्ग की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं उसके मूलक को, यानी क्या कहते हैं, तो ये जो इसका राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एलिड हाइट कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यानी कौन सा पद वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी V²/R, ठीक है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं, यानी वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं, तो ये जिसको जनित्र कहा जाता है, जनित्र, समझे, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लघु पथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान होता है, यानी लघु पथन के समय परिपथ में जो वैद्युत धारा का जो मान जो होता है तो ये क्या होता है, तो ये जो होता है यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी जो अभी निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो उदाहरण नहीं है तो ये जो है नाभिक की ऊर्जा ही नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वो तो लकड़ी तो होगा ही नहीं, गोबर गैस भी नहीं होगा तो कोयला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है ये? तो ये सी ए हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है यानी कौन सा सहसंयोजक पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है यानी कौन सा, यानी सिक्स सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, यानी ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या जो होती है तो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? मनुष्य के जो वृक्क जो होता है एक तंत्र का भाग है जो यानी किससे संबंधित है, यानी पोषण से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित, शोषण से, यानी परिवहन से? तो इसमें जो होता है यानी पोषण से होता है वृक्क, जिसे यानी किडनी कहा जाता है, किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। और ये जो है आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या, यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको यानी क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, एक्सोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस।